ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰਸੀਰਤ ਚੀਮਾ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਨਾ ਚਿੱਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਮੀ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਦੱਸਣੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਮੈਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਸੀ। ओवरनाइट मैं इन्हों भ्यो के रखिया, तो सवेरे कुकर दे विच मैं दो सीटियां दे विच इन्हों पका लिया। इन्हों दो सीटियां लवाने तो बाद आपां नाल दी नाल ही कढ़ लेना कुकर दे विचों पानी। इन्हों दा आपां कढ़ लवेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना हैगा, क्योंकि जे असीं ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सैकेंड चीज़ जिहड़ी है ओह वे कॉर्नफ्लोर, जिहनूं आपां हरा रोट भी कहिंदे आ। इहदे मैं तीन तो चार चम्मच लै ले ने। इन्हां दे नाल असीं छोलियां दी जिहड़ी कोटिंग करांगे। मैं चार तो पंज कलियां लहसुन दीआं लै लईआं ने, जिन्हां नूं मैं बरीक कट लिया। एक शिमला मिर्च दे मैं टुकड़े कर ले ने, छोटे छोटे टुकड़े, इस जिहड़े मर्जी साइज तुसीं कट कर सकते हो। तो सेम साइज दे ही असीं प्याज कट लैणे ने। एक वड्डा प्याज जो कि मैं कट कर लिया। पांच तो छे पीस मैं मशरूम दे लै ले सन। ये जे तुहाडे कोल अवेलेबल है तो तुसी पा सकते हो, तुसी स्किप भी कर सकते हो। गार्निश करन दे लई धनिया लै लिया। एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच सिरका, एक चम्मच ही चिल्ली सॉस, दो तो तीन चम्मच मैं कैचअप दे लै लेने। टेस्ट दे अकॉर्डिंग नमक ते छोटा चम्मच काली मिर्च। ये मैं एक मिर्च नूं लंबे लंबे स्लाइसिस दे विच कट लिया। जिन्हां नूं तिखा पसंद है वह पा सकते हैं, अदरवाइज असीं इहनूं स्किप भी कर सकते हैं। कढ़ाई दे विच मैं छोलियां नूं फ्राई करन दे लई कुकिंग ऑयल लै लिया, ते हुण मैं गैस ऑन कर देनी हाँ तां जो जिहड़ा ऑयल है गर्म हो जाए, क्योंकि छोले फ्राई करन दे लई सानूं फुल गर्म ऑयल चाहिए, तां ही क्रिस्पी क्रिस्पी छोले जिहड़े ने फ्राई होणगे। हुण असीं वड्डे बाउल दे विच सारे छोले जिहड़े ने पा लवांगे। तुसी चाहो तो नमक पहला भी पा सकते जो तुसी छोले उबालने आ, या असी जो इन्हें कोटिंग करनी उदों पा सकते हैं। मैं अद्धे चम्मच के करीब नमक पा लिया छोलियां दे विच, ते हुण मैं दो चम्मच अरारोट पावांगी। पहला असी दो चम्मच पाने ने, फिर इन मिक्स करांगे। इन्हां दी चंगी तरह उपर कोटिंग करनी असी, तां जो जिहड़ा अरारोट है वधिया तरह इन्हां दे उपर चढ़ सके। इस तो बाद असी एक चम्मच होर ऐड कर लांगे। इस तरह मिक्स करके असी छोलियां नूं पांच मिनट दे लई रख देना है। इहदे नाल अरारोट वधिया तरह चिपक जाएगा छोलियां नूं। थोड़ी देर दे लई असी इन्हां नूं साइड ते रख लांगे। फ्रेंड्स, हुण पांच मिनट हो चुके ने, जिहड़ा तेल है वह भी गर्म हो चुके आ। असीं इदां हाथ उपर करके देख सकने कि फुल सेका मार रहा है। तो हुण मैं जिहड़े छोले ने फ्राई करांगी। एक मिनट तक इन्हां नूं हिलाना नहीं, इदां ही फ्राई हुंदे रहिण देना। एक मिनट तो बाद असी इन्हां नूं थोड़े थोड़े करके हिलावांगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे फ्राई होने लई, जल्दी फ्राई हो जाते हैं। देख सकते हो इन्हें थोड़े जे होर क्रिस्पी होने तक आप फ्राई करांगे, फिर असी इन्हां नूं बाहर कढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, फ्राई हो चुके ने, तुम देख सकते हो कलर जिहड़ा चेंज हो चुके है। तो हुण मैं इन्हां नूं एक बाउल दे विच कढ़ लांगी। इसे तरीके दे नाल ही असी बाकी दे बचे छोलियां नूं भी फ्राई कर लवांगे।
फ्रेंड जिहड़े सारे छोले ने वह फ्राई हो चुके ने। तो सच्ची दसा तो इदा खाने नाल भी बहुत मज़ा आता है, असी इदा भी अद्धे छोले तो असी इदा ही खा जाने, सारी फैमिली बहुत क्रंची हो जाते हैं। बस तुसीं इह गल दा ध्यान रखना है कि फुल तेल गर्म होना चाहिए जदों असीं इन्हां नूं फ्राई करना है, क्योंकि उहदे नाल ही सारे जिहड़े चना चिल्ली चाट है उहदा टेस्ट सिर्फ इन्हां दे फ्राई करन ते डिपेंड है सारा। हुण असीं दूजी कढ़ाई लवांगे ते थोड़ा जिहा कुकिंग ऑयल फ्राई किते छोलियां वाला ही असीं ले लांगे। दो चम्मच मैं ले लिया, दो वड्डे चम्मच, इन हुण गर्म होण देवांगे थोड़ा जिहा। जिन्ना चिर तेल गर्म होण ते लगदा उन्नी देर जाके तुसी मेरी वीडियो नूं लाइक कर दो, ते जिहड़े चैनल ते नवें ने ओह चैनल नूं जाके सबसक्राइब भी कर दो, तुहाडी सपोर्ट दी बहुत नीड है। तुसी साडियां वीडियो नूं बहुत प्यार दे रहे हो, इदां ही अपना प्यार बना के रखियो। हुण तेल हो चुक्या गर्म ते मैं पहलां लहसुन जिहड़ा बरीक कट्टिया होया पा दांगी। लहसुन के नाल खुशबू जी टेस्ट तो वादा ही है, तो खाने की खुशबू भी बहुत वधिया बन जाती है, हो जाती है, बहुत मज़ा आता। थोड़ा जहा हल्का ब्राउन होने तो बाद असी प्याज ऐड कर लाँगे, इन हल्का ब्राउन होने देवे। लहसुन का कलर जो चेंज हो चुके, हूँ मैं इस प्याज पा दे लगी हाँ, ऐसे मोटे मोटे कट्टे हुए सन। थोड़ा जहा फ्राई करन तो बाद असी हिला हिला के इन्हों भी जड़िया कलिया जी ने आप अलग अलग कर लाँगे। इस तरह ही मैंने सारे पार्ट जोड़े ने अलग अलग हो जाएंगे सिंगल सिंगल। ज़्यादा नहीं असी फ्राई करना, मैं भी मशरूम पा दे लगी हूँ। इन्होंने भी सेम आप एक मिनट तक ही फ्राई करांगे। इसमें जी हरी मिर्च कट्टी थी वह भी ऐड कर दी लगी हूँ। हम अभी इस शिमला मिर्च ऐड कर देंगे एक मिनट के लिए, उन्हें ही पका लवेंगे। सारिया सब्जियां का अपना अपना फ्लेवर होंगे। हम मैं पान लगी हूँ एक चम्मच सोया सॉस का, एक चम्मच ही सिरका है, एक चम्मच चिल्ली सॉस, दो तो तीन चम्मच कैचअप के ने टमैटो कैचअप, छोटा चम्मच काली मिर्च, छोटा चम्मच मैं नमक डाल लिया क्योंकि मैं फ्राई करन लग्या सी, विच नमक पा लिया सी, तुसीं टेस्ट दे अकॉर्डिंग नमक यूज कर सकदे हो। थोड़ी देर में हिलावांगे, फिर असी थोड़ा जिहा पानी लवांगे। पानी दे विच असी एक चम्मच तो घट कॉर्नफ्लोर ले लांगे तो उन्हें मिक्स कर लांगे।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਸ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੌਸ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਨਾ ਚਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਬਣਿਆ ਚਨਾ ਚਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। फ्रेंड्स, ये साड़ी क्रिस्पी चना चिली की रैसपी। तुहानू रैसपी किदां दी लगी अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स जरूर दिओ, ते मैनू ये आइडिया भी दिओ कि मैं नैक्सट केड़ी रैसपी दी वीडियो लैके आवां तुहाडे वास्ते। ते वीडियो नू लाइक शेयर करना ना भुलना। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच नैक्सट रैसपी दे नाल। ओल तक दे लई बाय बाय।